प्रिय विद्यार्थियों, तबीर पर जो हम पिछले वीडियो में विचार कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कबीर का दार्शनिक चिंतन देखेंगे। निर्गुण काव्यधारा में कबीर का व्यक्तित्व तो सबसे प्रखर माना जाता है। निर्गुण काव्यधारा के कवियों पर नाथपंथियों हठयोगियों का गहरा प्रभाव था। इस कारण उन्होंने ब्रह्म को निराकार एवं निर्गुण प्रतिपादित किया। कबीर के काव्य में निराकार ब्रह्म को लक्ष्य करके जो दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचाराभिव्यक्ति मिलती है उसमें विधि निषेध एवं कर्तव्य अकर्तव्य पर अधिक बल दिया गया है। उन्होंने साधक के शुद्ध आचरण पर बल देकर गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान उसका साधन बतलाया है। कबीर के काव्य में प्रेमाशक्ति और रहस्यवाद की प्रवृत्तियां भी मिलती हैं तथा जीव और ब्रह्म के बीच माया को व्यवधान बतलाया गया है। उन्होंने प्रेम का अलौकिक वर्णन करते हुए अनासक्त रहकर ब्रह्म को प्राप्त करने पर बल प्रतिपादित किया है। इस तरह कबीर के काव्य में दार्शनिक चिंतन तथा ज्ञान तत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन में गुरु कृपा, माया, परमात्मा, ज्ञान, मोक्ष, अद्वैतवाद एवं आध्यात्मिक भक्ति पर प्रकाश डाला है। यहाँ इन्हीं दार्शनिक तत्वों को संक्षेप में हम विवेचित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला देखते हैं बिंदु, गुरु कृपा। कबीर की साधना में गुरु का सर्वाधिक महत्व है। उनके मत में गुरु कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के बिना किसी को भी शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। गुरु से परम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीर ने अनेक स्थलों पर गुरु की महिमा का उल्लेख किया है। देखिए उदाहरण के रूप में, हमारे गुरु दीनों अजब जरी, कहा कहो कछु कहत न आवे अमृत रसन भरी। दूसरा देखें, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और एक और उदाहरण देखते हैं, गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला होए दे, मन की मेल छुड़ाई के चित दर्पण करी ले। दूसरा बिंदु है माया। माया का अर्थ है अज्ञान या ब्रह्म जाल। यह संसार माया जाल है। इस धरती के सारे सुख एवं सभी वस्तुएं नश्वर हैं। इनसे लोभ, मोह, आसक्ति रखने से जीवात्मा अज्ञान के बंधन में बंधता है। इस अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने ही भीतर विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। माया जीवात्मा का बंधन है और वह जीवात्मा को सांसारिक सुख भोग एवं वासना में आसक्त कर उसका अहित करती है। इसीलिए कबीर ने माया को ठगनी या डाकनी, डायन कहा है। क्या कहते हैं वो, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, केशव के कमला होई बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होड़ बैठी तीर्थ में भड़ पानी। अगला बिंदु है त्रिगुणात्मक जगत। कबीर ने भारतीय दर्शन के अनुसार संसार को माया और त्रिगुणात्मक बतलाकर उनसे जीवात्मा के अज्ञानग्रस्त होने का उल्लेख किया। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण व्यक्ति के मन को सुख भोग में आसक्त रखते हैं, जिससे उसकी तृष्णा बढ़ जाती है और वह अविवेक, लोभ, मोह आदि से ग्रस्त हो जाता है। जब तक मन पर इन तीन गुणों का प्रभाव रहता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। कहते हैं वो, माया मुई न मन मुआ, मनी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया दास कबीर। अगला बिंदु है ईश्वरीय स्वरूप। कबीर एकेश्वरवादी तथा निर्गुणिया कवि थे, इसलिए उन्होंने निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और आरूप ईश्वर को की उपासना पर बल दिया है। उनके अनुसार ईश्वर का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन संभव नहीं है। देखिए उदाहरण के रूप में क्या कहते हैं वो, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहने को शोभा नहीं देखा ही परवान। परमात्मा अव्यक्त होते हुए भी घट घट वासी है, परंतु जीवात्मा अज्ञान तथा माया के कारण अपने भीतर व्याप्त उस परमात्मा को नहीं पहचान पाता है। इसी कारण कबीर ने ईश्वरीय तत्व को अनूप कहा है। कोई बिरला साधक ही इसे प्राप्त कर सकता है। देखिए उदाहरण, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहप वास्ते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। अगला बिंदु है अद्वैतवाद का समर्थन। कबीर का दर्शन चिंतन
अद्वैतवादी वेदांत से प्रभावित है। वे एकेश्वरवाद के अनुसार ब्रह्म और अल्लाह में, राम और रहीम में, केशव और शिव में कोई अंतर नहीं मानते हैं। वे जीवात्मा और परमात्मा में भी अभेद बतलाते हैं। उनके अनुसार केवल माया के कारण ही जीवात्मा स्वयं को उस परमात्मा से अलग समझने लगती है। उदाहरण देखिए, पानी ही ते हिम भया हिम है वह गया बिलाई, जो कुछ था सोई भवा अब कछु कहा न जाई। अगला बिंदु देखें, ज्ञान साधना। कबीर निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने स्पष्ट बतलाया कि आत्मा परमात्मा में तत्वतः कोई भेद नहीं है। यह संसार मिथ्या और नश्वर है। जब व्यक्ति ज्ञान की साधना करता है तो उसका ज्ञान दूर हो जाता है, माया का बंधन टूट जाता है, अहम भाव नष्ट हो जाता है और परमात्मा की ज्योति के दर्शन सहजता से हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर के अनुसार इस तरह का ज्ञान प्राप्त होना ही मुक्ति है। उन्होंने ज्ञान साधना के मार्ग को कठिन, अगम एवं रपटीला बतलाया है। जब जीवात्मा द्वैत भाव समाप्त करके श्रद्धापूर्वक गुरु की कृपा से आगे बढ़े तभी उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस तरह की दार्शनिक विचारधारा प्रकट करते हुए कबीर ने ज्ञान से हृदय के आलोकित होने को सच्ची समाधि बतलाया है और उसी ज्ञान लोक की साधना को जीवन का चरम लक्ष्य कहा है। उदाहरण देखिए, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, तहां सुमरी सतनाम को सहज समाधि लगाए। अगला बिंदु है मोक्ष। कबीर के काव्य में माया, ईश्वर, अद्वैत आदि के साथ साथ मोक्ष के संबंध में भी विशद विचार व्यक्त किए गए हैं। कबीर ने मोक्ष की आनंदावस्था का कहीं कहीं आलंकारिक और कहीं कहीं सांकेतिक चित्रण किया है। जैसे रस गगन गुफा में अजर झरे, अंजपा सुमरिन जाप करे। कबीर ने भारतीय दर्शन के अनुसार स्पष्ट कहा है कि जब जीवात्मा को मुक्ति या मोक्ष मिलता है तो वह फिर कभी संसार में नहीं आता तथा परम तत्व में ही आनंद मग्न रहता है। देखिए उदाहरण, मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे जब उड़ी अनंत न जाही। अगला बिंदु है योग साधना। कबीर पर हठ योग और नाथ पंथ की विचारधारा का आंशिक प्रभाव था। इस कारण उन्होंने अपने काव्य में ब्रह्मरंध्र, सहस्रार, कमल, कुंडलिनी, सुषुम्ना नाड़ी आदि का सांकेतिक प्रतीकों के द्वारा परिचय दिया है और योग साधना के अनुसार इन्हें जागृत करने की अनेक क्लिष्ट क्रियाओं पर प्रकाश भी डाला है। देखिए उदाहरण, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुसमन तार से दीनी चदरिया, आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुनी तीनी चदरिया। अगला बिंदु है रहस्य भावना। कबीर के काव्य में अमूर्त और निगूढ़ दार्शनिक तत्व और आध्यात्मिक अनुभूतियों का आधिक्य है। जब उन्होंने स्वयं को ईश्वर की प्रियतमा बतलाकर आत्मा परमात्मा के विरह और प्रेम की पीर का चित्रण किया है तो तब उनका रहस्यवाद भावात्मक बन गया है। परंतु जहां दर्शन के गूढ़ तत्वों के आधार पर अद्वैतवाद तथा जीवात्मा परमात्मा की एकता के रूपक प्रस्तुत किए हैं, वहां कबीर का साधनात्मक रहस्यवादी चिंतन व्यक्त हुआ है। उनकी साधनात्मक रहस्यवाद पूर्व में उद्धृत योग साधना ही है, परंतु भावात्मक रहस्यवाद उनकी अलौकिक प्रेमाशक्ति का परिचायक है। ऐसे प्रसंगों में कबीर का दार्शनिक चिंतन आध्यात्मिक अनुभूति से अनुरंजित दिखाई देता है। उदाहरण देखिए, दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमारे हम घर आए हो राजा राम भरता, तनरत करी मैं मनरत करे हूँ, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन मदमाती। इस प्रकार संत कवि कबीर के काव्य में दार्शनिक चिंतन का स्वर ज्ञान धारा के अनुरूप है, जबकि दार्शनिक गूढ़ तत्वों का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। हिंदी साहित्य में संत काव्य परंपरा का विशिष्ट प्रदेय माना जाता है। इस परंपरा के कवियों ने ज्ञान चेतना का प्रसार करते हुए सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों पर सशक्त प्रहार किए हैं, जनता को शुद्ध आचरण के लिए प्रेरित किया है। संत कवियों में महात्मा कबीर अग्रणी थे। उन्होंने अपनी अटपटी वाणी में समाज सुधार के संबंध में अनेक उपदेश निर्देश में विचार प्रकट किए।
कबीर सार्थक को ग्रहण करने वाले हैं और बुराइयों को दूर कर समाजों उन्नयन के प्रचारक थे। इस विशेषता के कारण उन्हें कवि बाद में समाज सुधारक पहले माना जाता है। कबीर पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव था, इस कारण उन्होंने एकेश्वरवाद, मोक्ष, माया, ईश्वरीय अव्यक्त तत्व आदि के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। साथ ही भावनात्मक साधनात्मक रहस्यवाद को अपनाकर उन्होंने ईश्वरीय भक्ति की ज्ञान धारा का प्रतिपादन किया और स्वतंत्र रूप से अपनी निर्गुणिया कबीर पंथ का प्रवर्तन किया। इस तरह संत काव्य परंपरा में कबीर का मौलिक चिंतन अति अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरक रहा है और यही उनकी उपलब्धि है। धन्यवाद।